पहले आपका मुंबई में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी और इस गाने की बात करें, आपके किरदार की बात करें, इस फिल्म की बात करें, प्रधान जी की बात करें, सनी जी की बात करें, तो क्या कहना चाहोगे? कैसे इन सबको धन्यवाद होगा आपकी तरफ से, क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से इनको धन्यवाद हो ही नहीं सकता। मैं कितने भी जन्म ले लूँ मैं धन्यवाद नहीं कर सकती। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम 101% करूँ, जो धन्यवाद हो जाए। इन्होंने प्रयास किया कि सपना मुंबई में आए और मुंबई में आज है सपना, क्या कहना चाहोगे और क्या क्या देखा आपने मुंबई में, क्या कहना चाहोगे? मुंबई में मेरे को सबसे अच्छा लगता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, यहाँ किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे अच्छा पॉइंट मुंबई का यही है, मुझे बहुत अच्छी लगी मुंबई। और स्पेशली आप लोग जो इतना अप्रिशिएट करते, इतना प्यार करते हैं, ऐसा और कहीं मैंने देखा नहीं है। आप दो लोग दूसरे के काम को इतना सराह देते हैं कि उसको और भी काम करने का मन करता है, और कहीं ऐसा नहीं मिलता। गाने की बात करें तो किस प्रकार का गाना है ये? गाना जो आज हो रहा है उस गाना भी मैं सेट पे जाऊंगी जब देखूंगी। और गाने का टाइटल टैटू है, वैसे मुझे अब तक जो पता लगा है, और एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा अब तक। तो इसमें आपने गाया भी है कि केवल डांस? नहीं नहीं, केवल इसमें एक्टिंग डांस है। अच्छा, सपना जैसे कहा जाता है आपके बारे में, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो लोगों की सांसें नहीं, आंखें नहीं, बल्कि सांसें भी थम जाती हैं, तो कैसे कर लेती हैं इतनी आसानी से? ये तो मुझे भी नहीं पता। बाकी अब तक तो कोई मरा नहीं है जो आप सांसें थमने की बात कर रहे हैं। बाकी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। बाकी किसी की सांसें नहीं थमी है सर, ऐसे मत इल्जाम लगाइए। वैसे ऐसा एक वैसे ऐसा कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ शो करते समय जो आपको याद रहा हो आप ऑडियंस की तरफ से, मतलब कोई कमेंट या कुछ कोई ऐसी बात जो लोग अनटोल्ड स्टोरी जिसको बोलते हैं कि सपना के बारे में लोग न जानते हो, तो आज मुंबई में ये खुलासा हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। मेरे लिए हर ऑडियंस बराबर है, हर स्टेज बराबर है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर किरदार बराबर है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और सभी इंसान मेरे लिए बराबर है, कोई भी फर्क नहीं है। हरियाणा में परफॉर्म करना और मुंबई में आज परफॉर्म कर रहे हैं, तो कितना अंतर है दोनों? कुछ अंतर नहीं है, सेम है, बस आर्टिस्ट का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। यहाँ बड़े आर्टिस्टों को देख के थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाती है, वहाँ ऑडियंस अपने आप संभाल लेती है। सपना, इसके अलावा अगर कोई और फिल्म की बात करें, अगर ऑफर आता है तो करना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर करना पसंद करेंगे। फिल्में करना पसंद करेंगे? अब आगे जैसा भी ऑफर आएंगे वैसे ही फिल्म करना पसंद करूंगी, लेकिन थोड़ी मर्यादा में रहकर। बॉलीवुड के स्टारों की अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा किरदार? मैं बचपन से ही संजय दत्त की बहुत दीवानी हूँ, और अगर मिलना हुआ तो मैं ज़रूर मिलूंगी। अगर आपको मौका मिला संजय दत्त की फिल्म में काम करना, तो करना पसंद? नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उनको अपना एम मानती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, और मैं नहीं चाहूँगी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साइड में खड़ी हो सकूँ, बिल्कुल भी नहीं। सपना जी, जिस तरह से आप सनी साहब की फिल्म में आप फिलहाल एक आइटम सॉन्ग तक ही लिमिटेड रख रहे हो, आपको क्या आपको बॉलीवुड से भी फिल्में करने के ऑफर्स आ रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आइटम सॉन्ग करेंगे या पूरी फुल फ्लेज आप फिल्म करोगे? आगे अगर मूवी के ऑफर आ रहे हैं और मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, आगे की आगे थमी रखी, अगर आगे की आगे नहीं थमी रही तो आप आगे आएंगे कैसे? अच्छा, हरियाणा दिल्ली जो पूरा वो पार्ट है वहाँ बड़े फेमस हो, बेसिकली सारी इंडिया में लोग आप अब्रॉड से भी आपको देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार का जो रीजन है वहाँ भी आपके बहुत बड़े संख्या में बड़े फैंस हैं आपके, क्या क्षेत्रीय फिल्में उस भाषा की भी की जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल की जा सकती हैं, और जैसे हरियाणवी लेवल पे अब सुल्तान बनी है, सुल्तान है, दंगल है, तो वो भी हरियाणवी ही मूवी है, लेकिन थोड़ा लेवल तो अप है ना उनका, तो हम अप लेवल करके उन लैंग्वेज में क्यों मूवी नहीं बना सकते, जरूर बना सकते हैं। रीजनल में दो भाषाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, एक यहाँ पे मराठी बहुत अच्छी फिल्में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में भोजपुरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। क्या सपना इन फिल्मों भोजपुरी और मराठी का भी हिस्सा बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल बन सकती हूँ, लेकिन भोजपुरी में मुझे ऑफर आया है और मैं जरूर करूंगी। जी किसके साथ करने वाली है सपना, ये फिल्म भी बता दीजिए? नहीं बताऊंगी। अच्छा, कोई कोई भोजपुरी फिल्म आपने देखी, किसी आर्टिस्ट को बेसिकली आपने देखा या किसी को मिले आप? नहीं अभी तक नहीं मिले, मैंने मनोज तिवारी जी को देखा है फेस टू फेस, लेकिन और किसी को नहीं मिला। चलते चलते आखिरी सवाल सपना, जैसे यहाँ बहुत सारे आइटम नंबर करने वाली बहुत मशहूर मशहूर अदाकारा है, कलाकार है, जैसे उनको पता चला कि सपना चौधरी यहाँ कदम रख दी है, सभी का एक ही कहना था कि मेरे अगने में सपना चौधरी का क्या काम है? हाँ नेचुरली, लेकिन एक इस बारे में मैं आपका जवाब दे देता हूँ। अब सपना जी फिल्मों में आई हैं तो काफ़ी आर्टिस्ट लोगों को घर बैठना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना काम है और सभी अच्छा कर रहे हैं,
सभी अपना 100% देते हैं सर, कोई भी पीछे नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना 100% दे रहे हैं, तो सब अपना 100% दे रहे हैं, सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, राइट है, किसी को कोई दोष नहीं देना। तो आपका डांस, अगर डांस की बात करें तो आइडियल कौन है, किसको आप, प्रभु देवा, गणेश आचार्य? मुझे लगता है कि मैं आइडियल मेरी ऑडियंस है, गणेश आचार्य को ज़्यादा फॉलो करता हूं। बिल्कुल आइडियंस, आइडल जो है मेरी वो ऑडियंस है, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैंने कुछ भी किया उन्होंने पसंद किया बस। अब तो सपना जी खुद आइडियल बन गई है लोगों की, लोग कॉपी कर रहे हैं आजकल सपना जी की। सपना जी, कल सलमान खान ने एक बयान दिया इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? कि उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो ऑर्डर देते हैं उन्हें खुद जाना चाहिए सीमा पर लड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो चाहे पाकिस्तान की सेना हो चाहे हिंदुस्तान की सेना हो, हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानी को फॉलो करेंगे, और वो पाकिस्तानी तो वो पाकिस्तान को फॉलो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह है और हिंदुस्तान अपनी जगह है, किसी को किसी से मत कीजिए। अगर आप हिंदुस्तान में घूमेंगे तो आपको कोई मुसलमान नहीं नज़र आएगा, कोई हिंदू नज़र नहीं आएगा, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सबके अंदर वैसा ही खून है जैसा मेरे अंदर है। आप, मैं आपसे, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने यूँ तो नहीं पूछा ना कि आपकी कास्ट क्या है या कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो अफवाहें होती हैं जिन्हें तूल दी जाती है बस, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से काम कर ले थोड़ा सा बीच में, जब आप चाहे सपना जी से कुछ।